हेलो बच्चों वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर थ्री डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन द ज्योग्राफिकल कंडीशन एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ आर वेरी डिफरेंट वी फाइंड दैट लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन ऑल द डाइवर्स कंडीशंस वेन वी लिव इन सर्टेन प्लेस वी एडजस्ट टू द कंडीशंस देर वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैव सर्वाइव बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू एडजस्ट दैमसेल्व टू द कंडीशन इन देयर सराउंडिंग तो अर्थ में हर जगह की जोग्राफिकल कंडीशन अलग है मतलब किसी जगह ठंडी है किसी जगह गर्मी है किसी जगह बहुत ज़्यादा बारिश होती है किसी जगह बिल्कुल बारिश नहीं होती है तो इस तरीके से हर जगह की जोग्राफिकल कंडीशन अलग होती है पर हम देखते हैं कि इन सब के बावजूद भी लिविंग बींग्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं वो ज़िंदा हैं अलग अलग जगहों में हम जब किसी जगह पे रहने लग जाते हैं तो हमारी बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है वहाँ पे। बहुत सारे टाइप के जो जो लिविंग थिंग्स हैं वो अलग अलग जगह में एडजस्ट होते, होते जाते हैं अलग अलग सराउंडिंग में कंडीशन में एडजस्ट होते जाते हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट्स

बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं अलग अलग तरह के प्लांट अलग अलग जगहों में ज़िंदा रहते हैं ग्रास बहुत छोटे होते हैं वैसे ही कैनोपी बहुत लंबे होते हैं कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में तैरते हैं और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो रेती वाली जगहों में डिज़र्ट में जहाँ बिल्कुल पानी नहीं होता है वहाँ भी ज़िंदा रह लेते हैं हम ये पाते हैं कि प्लांट्स की बहुत सारी वेराइटीज़ है और एक प्लांट की भी बहुत सारी वेरायटी होती है जैसे कि हम देखते देख सकते हैं राइस की बहुत सारी वेरायटी होती है वीट की होती है रोजेस की बहुत वेरायटी होती है मैंगोस की बहुत सारी वेरायटी होती है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टेम से ग्रो हो जाते हैं कुछ लीव से ग्रो हो जाते हैं कुछ रूट से ग्रो हो जाते हैं बहुत सारे ऑर्डिनरी प्लांट होते हैं बहुत सारे कुछ अलग प्लांट होते हैं तो प्लांट्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल द हिबिस्कस पॉमीग्रैनेट पेरीविंकल एक्सेट्रा सम प्लांट्स लाइक फंगस लोरेथस डॉडर यूज अदर प्लांट्स फॉर फूड एंड आर सेट टू बी हैट्रोट्रॉफिक प्लांट्स लाइक द पिक्चर प्लांट इवन कंज्यूम इंसेक्ट्स दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस तो हमें यहाँ पर प्लांट्स की वेराइटी बताई गई है कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि हमने पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि अपना खाना सनलाइट के थ्रू बना लेते हैं तो उन्हें ऑटोट्राफिक ऑटोट्रॉफिक प्लांट कहा जाता है जैसे हिबिस्कस पॉमीग्रैनेट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट से अपना खाना लेते हैं जैसे कि फंगसेस हो गए लोरेंथस हो गए तो इन्हें हेट्रोट्रॉफिक कहा जाता है और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं जैसे जैसे कि होता है पिचर प्लांट तो उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट प्लांट स्ट्रक्चर कैन जनरली बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स द स्टेम विच ग्रोज above the ground and the root which grows below the ground surface the root stem and leaves are the main parts of plant from time to time plants bear flowers for reproduction flowers are transformed into fruits fruits have seeds seeds give rise to new plants तो बच्चों प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं पहला होता है वो पोर्शन जो स्टेम के ऊपर का पोर्शन होता है जो कि हम देखते हैं ग्राउंड के ऊपर का पोर्शन होता है और दूसरा पोर्शन होता है जो सॉइल के अंदर होता है रूट पोर्शन तो ये दो पार्ट्स होते हैं प्लांट के एक प्लांट के तीन जो पार्ट्स होते हैं सबसे मेन होते हैं रूट स्टेम और लीव्स और प्लांट्स में टाइम टाइम फ्लावर्स ग्रो होते जाते हैं जो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ये फ्लावर्स फ्रूट्स बन जाते हैं इनके अंदर सीड्स भी होता है और सीड्स से ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है फ्लावर्स जो होते हैं वो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट को हमें भी जैसे रोज़ का प्लांट हमें बहुत अच्छा लगता है क्यों अच्छा लगता है क्योंकि उसमें रोज़ेस ग्रो होते हैं तो इसी तरह फ्लावर्स बहुत अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं एक प्लांट का ये जो फ्लावर्स होते हैं ये स्टेम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं इनमें जो स्टॉक होता है स्टॉल्क होता है स्टॉल्क वो स्टेम के थ्रू कनेक्टेड होता है एक फ्लावर का कोई भी कलर हो सकता है फ्लावर्स बहुत अलग अलग कलर के होते हैं अलग अलग शेप के होते हैं पर फ्लावर्स ही सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं फिर आता है स्टेम स्टेम की हाइट उसका शेप उसका साइज उस प्लांट पे डिपेंड करता है स्टेम बहुत सारे फंक्शंस करता है जैसे कि प्रोडक्शन करता है कंडक्शन करता है और खाना स्टोर करने का भी काम करता है और कुछ प्लांट्स पे ये रिप्रोडक्शन का भी काम करता है और ये प्लांट को सपोर्ट भी देता है फिर आता है लीफ। लीफ फ्लैट होता है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का क्यों क्योंकि ये प्लांट को फूड बनाने में हेल्प करता है लीव दो तरह के होते हैं एक होते हैं सिंपल और दूसरा होता है कंपाउंड फिर आता है फ्रूट फ्रूट अलग अलग शेप के होते हैं फ्रूट में एक या एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं और द पॉड्स ऑफ बीन्स एंड पीस आर एक्चुअली फ्रूट्स फिर आता है रूट रूट एक प्लांट को सॉयल में होल्ड करके रखता है और वो एंकर होता है एक प्लांट का मेन जो फंक्शन होता है रूट का वो ये होता है कि वो सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है और उसे प्लांट में पहुंचाता है ट्रांसपोर्ट करता है जो carrot का और रेडिश का आ, रूट होता है वो फूड स्टोर करने में भी हेल्प करता है दो तरह के रूट होते हैं एक होता है, होता है टेप रूट जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं हिबिस्कस का होता है बनयान ट्री का होता है और एक होता है फिब्रस रूट जो होता है अनियन का और ग्रास का नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स अप टू नाउ इंफॉर्मेशन अबाउट लैक्स ऑफ प्लांट्स हैज़ बीन कलेक्टेड वाइल स्टडिंग द डाइवर्सिटी इन प्लांट्स दे आर क्लासीफाइड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफ्रेंसेज इन देयर स्ट्रक्चर देयर ऑर्गन्स एंड देयर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स तो अब तक लैक्स ऑफ प्लान प्लान के बारे में हमें मालूम चल चुका है जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं बहुत सारे रिसर्च की है जिससे लैक्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पता चल चुका है तो जब हम इन प्लांट्स की डाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो इन्हें अलग अलग प्लांट्स में क्लासीफाई किया गया है किस बेसिस पे इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनके ऑर्गन के बेसिस पे और इनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे तो साइंटिस्ट कैरोलस लिनाइस मेड द फोस्ट साइंटिफिक क्लासीफिकेशन ऑफ प्लान्ट इनिशियली इट वॉज़ हिस मेथड ऑफ क्लासीफिकेशन दैट वॉज यूज बाई ऑल तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले प्लान्ट क्लासीफिकेशन किया था और ये प्लान्ट क्लासीफिकेशन का जो मेथड था वो यही लेकर आए थे क्लासीफिकेशन ऑफ प्लाट्स वी कैन ईजली नोटिस द डिफरेंस इन शेप एंड हाईट ऑफ द प्लान्स इन आर सराउंडिंग्स इट इज ईजी टू क्लासिफाई द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जरवेशन तो हम जब अपनी लोकेलिटी में अपने सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं तो हम बहुत ईजली क्लासीफाई कर लेते हैं कि अच्छा ये ये प्लांट है ये ये प्लांट है क्यों कर लेते हैं क्योंकि हमें प्लांट का अलग अलग शेप दिखता है अलग अलग हाइट दिखती है जिससे हम उनका क्लासीफिकेशन कर पाते हैं वट आर सिमिलैरिटीज बिटवीन अ मैंगो अ बनियान एंड अ टेमरिन ट्री तो जो आम की ट्री होती है आम का पेड़ होता है बदयान का पेड़ होता है और जो इमली का पेड़ होता है आप बताइए इन सब में क्या सिमिलैरिटी ऐसा क्या होता है जो इन सब में कॉमन होता है क्या होता है कि सम प्लांट्स ग्रो टॉल देर स्टेम और ट्रंक इज हार्ड एंड स्ट्रोंग दे हैव ब्रांचेज एट सम हाइट अबव द ग्राउंड दे बी फ्लावर एंड फ्रूट फॉर मेनी ईयर्स सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज ट्रीज़ are tall बिग एंड पैरिनियल they live फॉर many years तो इन सब में कॉमन ये होता है कि ये सारी ट्रीज़ हैं ट्रीज़ लंबी होती हैं उनका जो स्टेम होता है और ट्रंक होता है वो बहुत हार्ड और स्ट्रॉग होता है इनके जो ब्रांचेस होती हैं वो ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट पर रहते हैं इनमें फ्लावर्स होता है और और फ्रूट्स भी होते हैं और ये बहुत सालों तक जीते हैं पेरीनियल होते हैं ये वट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द हिबिस्कस ओलिएर एंड लेंटाना प्लांट्स तो हिबिस्कस ओलिएर और लेंटाना प्लांट्स में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं स्ट्रब्स सम प्लान्ट्रो क्लोज टू द ग्राउंड दे गिव आउट ब्रांचिज वेरी क्लोज टू द ग्राउंड दे आर शोर्टर एंड स्मॉलर देन ट्रीज बट दे हैव थिक एंड हार्ड स्टेम द ओलियडर हिबिस्कस लेंटाना कॉरेंटी एंड रोज आर श्रब्स दैट मे ग्रो अप टू 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 थ्री मीटर्स तो ये सारे जो प्लांट्स होते हैं ये श्रब्स होते हैं इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो ग्राउंड के बहुत पास होते हैं छोटे ये छोटे ट्रीज होते हैं स्मॉलर होते हैं पर इनके जो स्टेम होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं और हार्ड होते हैं जैसे कि ओलिए प्लांट हो गया हिबिस्कस, लेंटाना कोरेंटी या रोज प्लांट हो गया वट आर सिमिलैरिटीज बिटवीन द फेनोग्रिक एंड पेरीविंकल प्लांट्स तो जो फेनोग्रिक के प्लांट होते हैं पेरीविंकल के प्लांट होते हैं इनमें क्या सिमिलैरिटी होती है हर्ब्स हर्ब्स ग्रो वन टू वन पॉइंट फाइव मीटर स्टॉल द स्टेम्स ऑफ हर्ब्स आर ग्रीन एंड क्वाइट

Have you seen vines like the pumpkin, the railroad creeper, kaveli watermelon or the grape vine how do they grow तो आप सब ने कुछ ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जो वाइन्स होते हैं वाइन्स मतलब ये ये कहीं भी चढ़ जाते हैं हमें दिखते हैं ये दूसरे प्लांट में चढ़ जाते हैं ये ये किसी भी रस्सी में भी चढ़ जाते हैं ये या ऐसा होता है किसी भी रॉड में भी ये रोल हो जाते हैं Some vines need vertical support for growing while some others spread on the ground. Climbers like the money plant have aerial roots. Have you seen the cucumber tendrils that look like a spring? Of what use could they be? Touch the stem of any vine. What do you feel? The stem of a creeper is very flexible, soft, and green. It grows. रेपिडली विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट कुछ ऐसी वाइन्स होती है जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो ही वो ग्रो कर पाती हैं और कुछ ऐसी वाइन्स होती है जो ग्राउंड में ही ग्रो कर जाती हैं इनकी जो स्टेम होती है फ्लेक्सीबल होती है सॉफ्ट होती है ग्रीन होती है और इन्हें जैसे सपोर्ट मिलता है ये फट से ग्रो करने लग जाती हैं